अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है इस बार देश अपना पचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही ये नए संकल्पों नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है इस अवसर पर हमें यह तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा दो में 2047 में तब भारत की स्थिति क्या होगी ये तय करने में हमारी खेती हमारे गांव हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके भाई और बहनों इस दौर में बहुत तेजी से हो रहे बदलावों को है। हम सभी साक्षी हैं चाहे मौसम और प्रकृति से जुड़े बदलाव हो खान पान से जुड़े बदलाव हो या फिर महामारी के कारण पूरी दुनिया में हो रहे बदलाव हो हमने बीते डेढ़ वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरूकता आई है मोटे अनाज की सब्जियों और फलों की मसालों की ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है इसलिए भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे